नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। एनकाउंटर के हवाले से बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। लगातार आप देखिए पुलवामा और बड़गाम में किस तरह से एनकाउंटर देर शाम को चलता रहा और पुलवामा मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मारे गए आतंकियों की पहचान करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है, सुरक्षा बल जुटे हुए हैं और मुठभेड़ को लेकर थोड़ी देर में ही मीडिया को संबोधित करेगी सेना। और इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आपको बताते चले कि देर शाम से ही पुलवामा और बड़गाम के अंदर दो एनकाउंटर एक साथ चलते हुए नजर आए। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच दो जगह पर मुठभेड़ चल रही थी। करीब 12 घंटे बाद पांच आतंकियों को यहां पर मौत के घाट उतार दिया गया और कश्मीर के आईजीपी ने बताया कि मारे गए आतंकियों में जैश ए कमांडर और आतंकी जाहिद वानी और पाकिस्तान के दहशतगर्द इसमें शामिल है। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया था और जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से जुड़े पांच आतंकवादियों को मार गिराया गया है और इनमें जैश का स्थानीय सरगना और एक पाकिस्तानी आतंकी शामिल। और शनिवार देर शाम की अगर बात करें, कल रात की अगर बात करें, तो पुलवामा और बड़गाम जिले में दो जगहों पर मुठभेड़ शुरू हुई थी और कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक जो कि विजय कुमार है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी जो संगठन लश्कर ए तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, उसके पांच आतंकवादी यहां पर पिछले 14 घंटे में मारे गए हैं। 12 घंटे की यहां पर बात हो रही है जिसमें जैश का स्थानीय आतंकी भी बताया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट पुलवामा और बड़गाम से ही देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए पुलवामा में चार आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं और एक आतंकवादी बड़गाम में ढेर कर दिया गया है। और उसके साथ ही पुलवामा और बड़गाम के अंदर जब मुठभेड़ शुरू हुई है तो आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि यहां पुलवामा के नायरा इलाके और मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में चरारे शरीफ इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई और पुलिस अधिकारी की तरफ से यह पूरी तरह पुष्टि कर दी गई थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पुलवामा से हमारे संवाददाता गाजी खुर्शीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाजी, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त वहां पर? जी मैम, जिस तरह बीते दिन नायरा जो टॉप पुलवामा का एरिया है, फोर्सेस ने उस इलाके को कार्डन ऑफ किया था और शाम देर गए वहां पे वो कार्डन एक बड़े एनकाउंटर में तब्दील हुआ, जहां पे अभी तक की जो खबर है यहां पे चार जो मिलिटेंट है वो मार गिराए गए हैं, जिसमें बाजाबत और आईजीपी की कश्मीर जोन की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है कि उसमें एक बड़ा कमांडर जाहिद वानी जो कई सालों से सरगर्म था इलाके में उसको मार गिराया गया, जबकि एक और फॉरनर भी बताया जाता है और उसके साथ दो और साथी समेत चार मिलिटेंटों को यहां पे अभी तक मार गिराया गया है। वहीं पे मैं बात करूं नायरा पुलवामा की, तो इस समय जो ये जो ऑपरेशन चल रहा था वो अब सस्पेंड हो गया है। वहीं पे मैं बात करूं कि इलाके में अभी भी तनाव और वो जो पूर्व तनाव हालात अभी भी नजर आ रहे हैं। जी, और गाजी ये बताइए कि बड़गाम के चरारे शरीफ में भी जो एनकाउंटर चल रहा था जहां पर एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया, वहां से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह बड़गांव डिस्ट्रिक्ट में भी एक एनकाउंटर हुआ उसमें भी एक मिलिटेंट को मारा गया है और 12 घंटे में अभी तक जो इत्तला हमारे पास है, पांच मिलिटेंटों को अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये जो है मार गिराए इन दो एनकाउंटरों में। तो वहीं पे मैं आपको बता दूं कि पुलवामा का जो नायरा इलाका काफी हसास इलाका माना जाता है और यहां पे जो आज शब जो एनकाउंटर हुआ है, अगरचे अंधेरे की वजह से उसको हॉल्ट पे रखा गया है, लेकिन नसीब शब में ही ये जो गुज़श्ता रात थी उसमें एक गोलियों के चलने की आवाजें सुनाई दी गई और एक एनकाउंटर दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, जिसमें अभी तक चार मिलिटेंट मारे गए और डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में एक मिलिटेंट मारा गया। इस सबके बीच में ये 12 घंटों में पांच। गाजी, ये बताइए कि जिस तरह से आईजीपी की तरफ से भी ट्वीट किया गया और बताया गया कि आतंकी सरगना जाहिद सुरक्षा बलों की तरफ से उसे मार गिराया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि कई घटनाओं में वो शामिल था। जी बिल्कुल, कई सालों से सरगर्म जाहिद वानी ये जो है जैश का कमांडर माना जाता था और इलाके में फोर्सेस को कई सालों से इसकी तलाश थी और आज फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस बड़ी कामयाबी से इसको ताबीर करता है, क्योंकि एक बड़ा कमांडर था और इलाके में बड़ा नाम था इसका और कई सालों से, मैंने पहले भी कहा कि कई सालों से सरगर्म था। गाजी, ये बताइए कि क्या इलाके में इंटरनेट को शटडाउन कर दिया गया है? कब तक बहाल किया जाएगा अगर किया गया है तो?
देखिए बिल्कुल, आज सुबह सुबह जब लोग नींद से जागे तो एनकाउंटर को सस्पेंड किया गया था, क्योंकि इलाके में जो माहौल बना था और इलाके में जो सूरत हाल है उसको पुरअमन रहने के लिए यहाँ पे इंटरनेट को भी सस्पेंड किया गया है। अब देखने वाली बात है कि कब तक इंटरनेट को रेस्टोर किया जाएगा, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई इधर बलपोरा शुपियन में, आर्मी की तरफ से वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये देखने वाली बात है कि इंटरनेट रेस्टोर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अभी ये सवाल। गाजी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि पुलवामा से हमारे संवाददाता गाजी खुर्शीद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, क्योंकि इंटरनेट को बिल्कुल शट डाउन कर दिया गया है पुलवामा के अंदर, क्योंकि यहां पर चार आतंकवादियों को मारा गया है और बड़गाम के अंदर एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। पांच आतंकवादी पिछले 12 घंटे में यहां पर मार गिराए गए हैं और सेना की तरफ से कुछ ही देर के बाद यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी और पूरी तरह से संक्षिप्त में विवरण भी दिया जाएगा कि आखिर किस तरह से वहां पर हालात इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं वो पल पल की अपडेट लगातार साझा कर रहे हैं और किस तरह से पूरी जानकारी साझा करते हुए नजर आए हैं कि आतंकी लगातार यहां पर सक्रिय थे और अब यहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। लगातार आप देखिए सांबा जिले के अंदर किस तरह से काम हो रहा है। सांबा जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम गई है और साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में यहां 55 मामले सामने आए हैं और 47 जो मरीज हैं वो अभी तक यहां ठीक हो चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासन अब पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है और सांबा जिले के अंदर कोरोना संक्रमितों की अब कहीं ना कहीं यहां पर रफ्तार कम होती हुई नजर आ रही है, कम लोग संक्रमित हो रहे हैं और इसका मतलब यह है कि आम जनता अब सहयोग करती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में जहां 100 का आंकड़ा पार होता था लेकिन अब बहस यहां 55 मामले सामने आए हैं और 47 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से कोरोना के हवाले से आपको बता रहे हैं किस तरह से प्रशासन वहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सतर्कता बरती जा रही है, आम जनता से अपील की जा रही है सहयोग करने के लिए, लेकिन जब आम जनता का सहयोग नजर आता है तो जाहिर तौर पर आप देखिए मामलों में कटौती जरूर होती है। 55 मामले पिछले 24 घंटे में ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने भी मामले सामने नहीं आने चाहिए जो एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है। अगर ये 55 लोग और भी लोगों को संक्रमित करते हैं तो जाहिर तौर पर यहां पर एक चेन बनते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए 47 मरीजों की अगर बात करें तो वो बिल्कुल यहां ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से सतर्कता बरती जा रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन पिछले 24 घंटे में जहां पहले 100 का भी पार मामले जो है वो देखे जाते थे लेकिन अब 100 से कम मामले सामने आ रहे हैं, 55 मामले सामने। आपको बताते चले कि पिछले 24 घंटों में जो आंकड़ा रिपोर्ट हुआ है कोविड का, तो ये काफी कम आंकड़ा रिपोर्ट हुआ है, यानी एक राहत की खबर है। इससे पहले लगातार 100 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस होता हुआ जिला सांबा में नजर आया, लेकिन अब ये जो आंकड़ा 55 का सामने आया है, उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आंकड़ा और डाउन होगा और जो पाबंदियां रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनसे भी लोगों को निजात मिलेगी। और यहां 47 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन इससे भी अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि अगर शुरुआती दौर से लेकर अभी तक का अपडेट आपको करें कोविड का, तो जिला सांबा में 30 माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए, लेकिन अब 30 में से मात्र 3 ही एक्टिव माइक्रो कंटेनमेंट जोन बचे हैं। तमाम 27 माइक्रो कंटेनमेंट जोन से पाबंदियां हटा ली गई हैं, उन इलाकों को डिनोटिफाई कर दिया है जिन इलाकों में पाबंदियां लगाई गई थी जहां पर कोविड केसेस ज्यादा सामने आए थे। और कहीं ना कहीं प्रशासन ने एक लोगों को लगातार एक जागरूकता संदेश भी दिया है कि आप लोग पूरी तरह से एहतियात बरतें हैं। और प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि जो लोग घरों पर इस समय होम आइसोलेशन में हैं, पॉजिटिव हैं, उन तमाम लोगों को घरों पर जाकर जो मेडिकल असिस्टेंस दिया जा रहा है, टेली मेडिसिन की फैसिलिटी जो उनको जो उपलब्ध करवाई जा रही है, मुहैया करवाई जा रही है, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन एक प्रयास कर भी रहा है, लेकिन हम कई बार प्रशासन की गलतियां भी निकालते हैं और बेबाक होकर हम अपनी बात भी रखते हैं। लेकिन इसमें अगर प्रशासन को लेकर बात करें तो जो पाबंदियां लगाई जाती है वो लोगों के हित में लगाई जाती है, लेकिन अगर लोग उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से इस कोविड की लहर से हमने बचना है। देखिए, हमने शुरुआती दौर में ये कहा सुना था कि पहली वेव जब आई तो इससे इसके बाद हमें ये सुनने को मिला कि अब ये धीरे धीरे मामले कम होंगे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी वैक्सीनेशन का भी दौर लगातार जारी है, लेकिन हम तीसरी लहर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए हमें एहतियात बरतने की जरूरत है और लोग जो लगातार नॉन एसेंशियल एक्टिविटी अभी भी कर रहे हैं हुई है, कमी आई है, कहीं ना कहीं आम जनता सहयोग करती हुई नजर आ रही है प्रशासन का।
देखिए इसमें ये कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि मामले बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो यहाँ पर मामले बढ़ते हुए ही नजर आए हैं। और आज ये जो बड़े दिनों के बाद ये आंकड़ा काफी कम रिपोर्ट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एहतियात बरतनी होगी। और खासतौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से लगातार ये भी हम देख रहे हैं कि फेटल रेट काफी कम है, कोई कॉम्प्लिकेशन लोगों में नजर नहीं आ रही, माइल्ड सिम्टम वाले जो केसेज है वही तमाम जो वो नजर आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो क्वारंटीन पीरियड है उसको 14 दिन से कम करके 7 दिन का कर दिया है, यानी इस बार जो कॉम्प्लिकेशन है ये नजर नहीं आ रही। और अस्पतालों में भी आप देख रहे हैं कि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है या कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आन पड़ी है कि कोई लोगों को ऑक्सीजन की कमी जो वो दिखती हुई नजर आई। तमाम ये पैनिक वाली समय बात इस बार हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुनिश्चित किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और अभी भी सारी व्यवस्थाओं को किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए? देखिए डॉक्टर्स को लगातार यहां पर आपने पहले ही देखा था कि डॉक्टर्स की छुट्टियां भी जो वो रद्द कर दी गई थी, जिस तरह से लगातार पीक पर मामले में देखने को मिले, और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया, बेड जो है वो अस्पतालों में बढ़ा दिए गए, तमाम आईसीयू जो सेक्शन है उनको भी स्टैंड बाय मोड पर रखा, वहां पर भी सुविधाएं सुनिश्चित की। लेकिन थैंक गॉड कि अभी तक ऐसे कोई भी हमें इमरजेंसी देखने को नहीं मिली है, और उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह के हालात जो वो और ज्यादा ठीक होंगे, जिस तरह से आज हमें आंकड़ा कम रिपोर्ट होता वो दिख रहा है। तो यही कहीं ना कहीं हम लोगों को ये अपडेट करेंगे, यही संदेश देंगे कि कृपया घरों से जब आप बाहर जाते हैं तो आप लोग पूरी तरह से एहतियात बरत कर जाइए, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए, और जो गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से जारी की जाती है उन गाइडलाइंस का आप लोग उल्लंघन ना करें। चलिए ऋषि बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर हालात जो है वो सांबा जिले के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले यहां सांबा जिले के अंदर अगर आम जनता की बात करें तो प्रशासन के साथ सहयोग करती हुई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता सहयोग कर रही है, क्योंकि 100 के पार पहले मामले लगातार 24 घंटे में देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार 55 मामले सामने आए हैं और 47 मरीज जिसमें से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो इस तरह से काम करने की काफी जरूरत है, प्रशासन को भी और आम जनता को भी सहयोग करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू लिए चलते हैं, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है और साप्ताहिक पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से यहां पर जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए साप्ताहिक पाबंदियों का आज भी यहां खासा असर देखने को मिला है, अधिकांश दुकानें बंद रही हैं, यात्री वाहन पूरी तरह से सड़कों से नदारद रहे हैं और दुकानदारों ने सप्ताह में 6 दिन बाजार खोलने की मांग कर दी है। लगातार पहले ही यहां पर कश्मकश का माहौल जो है वो देखा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी साप्ताहिक पाबंदियां आज फिर से यहां पर देखने को मिली हैं, क्योंकि जो पाबंदियां लगाई गई थी आम लोगों ने उसका सहयोग किया है, चाहे वो दुकानदार हो, व्यापारी तबका हो या फिर आम जनता हो, हर तरह से सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर दुकानें आज बंद रही हैं और यात्री वाहन की अगर बात करें, जिस तरह पहले सड़कों पर यात्री वाहन दौड़ते हुए नजर आते थे, इस बार इक्का दुक्का वाहन ही यहां पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्हें इमरजेंसी के लिए घर से बाहर जाना है या फिर अपने काम को मद्देनजर रखते हुए ये लोग जरूरी बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त की ताजा अपडेट आपको जम्मू शहर से दिखा रहे हैं, साफ तस्वीरों में आप देखिए बाजार पूरी तरह से सुनसान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वही लोग अपने घरों से बाहर हैं जिन लोगों को बहुत जरूरी काम है, और प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है, आह्वान किया गया है कि अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहनिए और 2 गज की दूरी भी रखिए, और बहुत जरूरी काम होने पर ही आपको घर से बाहर जाना है। और यात्री वाहनों की अगर बात करें तो साफ तस्वीरों में आप देखिए इक्का दुक्का वाहन जो है वो सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बाजार पूरी तरह से सुनसान नजर आ रहे हैं, दुकानें बंद हैं, व्यापारी तबके ने भी इस बार यहां पर सहयोग किया है, और सहयोग करने के बाद अब यहां कितनी कटौती आती है मामले में ये देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से जिला सांबा के अंदर से ज्यादातर मामलों में कटौती देखी गई है, तो अब देखना यह होगा कि जम्मू शहर के अंदर जिस तरह से कश्मकश का माहौल बना हुआ था उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल लोग अपने घरों से बाहर तो जरूर निकले हुए हैं जरूरी काम को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन किस तरह से यहां पर अब प्रशासन सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है इसी पर जानकारी लेंगे। मोहिंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहिंद्र, जिस तरह से पहले कश्मकश का माहौल बना रहता था जम्मू शहर के अंदर कि कितने बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी और कौन से लोग घर से बाहर जा सकते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल को लेकर काफी कश्मकश का माहौल देखा गया, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं लोग भी सहयोग करते हुए नजर आए और व्यापारी तबका भी।
जी अच्छा आपको बता दूं कि लगातार पिछले कई वीकेंड लॉकडाउन की बात करें तो लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी थी कि क्या बंद है या फिर खुला है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अगर बात की जा रही थी वीकेंड लॉकडाउन की, वहीं अगर चैंबर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी की बात करें तो उनके द्वारा कहा जाता था कि डील दी जाएगी, वहीं इस हफ्ते की बात करें तो वीकेंड लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, सिर्फ एसेंशियल से जुड़ी दुकानें जो है वो खुली हैं और बाकी नॉन एसेंशियल दुकानों को कंप्लीटली बंद किया गया। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसे सुचारू रूप से चलाया जा रहा ताकि जो पेशेंट कहीं अस्पताल या फिर किसी जरूरी जगह पे जाना चाहते हो उन्हें वहां पे पहुंचाया जाए। तो लगातार वीकेंड लॉकडाउन का असर आज के दिन भी देखने को मिल रहा, वहीं आम लोगों में दुविधा जो है वो आज भी लगातार जारी थी कि आखिरकार प्रशासन की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन को पालन सख्ती से क्यों नहीं करवाया जा रहा। मगर अगर वहीं पार्क्स और ग्राउंड्स की बात करें तो उनमें रश देखने को मिल रहा है, लोग जो है पार्कों में इकट्ठे हो रहे हैं, ग्राउंड्स में इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहां भी प्रशासन को चाहिए कि थोड़ा सख्ती से पालन करवाएं। जी मोहिंदर ये बताइए कि कुछ बाजार यहाँ पर बिल्कुल सुनसान नजर आ रहे हैं लेकिन कई इलाकों में आम जनता बाहर भी निकली हुई है, आखिर क्यों बाहर निकली हुई है, किस काम को मद्देनजर रखते हुए, क्या प्रशासन की तरफ से ये पूछताछ नहीं की गई इन लोगों से? जी हाँ आपको बता दूं कि जगह जगह पुलिस द्वारा नाके लगाए गए हैं, लोगों की गाड़ियों को रोका जा रहा है और जो बेवजह लोग बाहर आ रहे हैं उनसे भी ये पूछा जा रहा है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, तो अपनी अपनी मजबूरी बता के लोग फिलहाल इन नाकों को क्रॉस कर रहे हैं और लगातार पुलिस की गश्त जो है वो लगातार जारी है और हर जगह चेकिंग जो है वो की जा रही है और दुकानों पे खासकर ध्यान रखा जा रहा है कि दुकानें बंद है या नहीं। जिस तरह से अब बता दूं अपने देखने वाले व्यूवर्स को, मेडिसिन से जुड़ी दुकानें, फ्रूट फल से जुड़ी दुकानें, रेस्टोरेंट, ढाबे जो है ये ओपन है ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी लेकिन मोहिंदर ये बताइए कि जहां जहां पर इस वक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां पर किस तरह से सख्ती चल रही है, क्योंकि साप्ताहिक लॉकडाउन तो लगाया गया है लेकिन उसका असर भी जमीनी सतह पर देखने को मिल रहा है, वहां पर एसेंशियल सर्विसेज को लेकर कैसे सुविधाएं प्रदान की जा रही है? बिल्कुल आपको बता दूं जिस तरह से माइक्रो कंटेनमेंट जोन के ऊपर खासा निगरानी रखी गई है, वहीं उन एरियाज में तारबंदी जरूर की गई है और वहीं एसेंशियल दुकानें जो है वहां पे खुले रखने के आदेश दिए गए हैं और प्रॉपर वहां पे टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो चुकी है ताकि ट्रिपल टी की गाइडलाइंस पे उतरा जा सके। वहीं लोग जो है प्रशासन के साथ समर्थन देते हुए दिख रहे हैं और लगातार कोशिश प्रशासन की ये भी है कि उन इलाकों में एसेंशियल सर्विसेज जो है वो मुहैया करवाई जाए, खाने से जुड़ी चीजें उन तक पहुंचाई जा सके, दूध दही की दुकानें। मोहिंदर आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, कौन से इलाके पे मौजूद हैं? जी मैं आपको बता दूं इस समय मैं फुल फ्रेम छोड़ दीजिए मोहिंदर को, दिखाइए वहां पर मोहिंदर क्या सूरत हाल है, किस तरह से बाजार के अंदर लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं फिलहाल यहां पे गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं और वहां अगर आप देख सकते हैं तो सामने जितनी भी दुकानें हैं जो नॉन एसेंशियल है उन्हें बंद किया गया और उसी के साथ अगर आप देख सकते हैं कि जरूरी एसेंशियल यानी कि करियाना स्टोर जो है वो फिलहाल ओपन किए गए हैं और पुलिस प्रशासन की लगातार आपको कर्मचारी जो है वो गश्त लगाते हुए दिखेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन है इसलिए लोगों का हल्का सा आपको यहाँ आव जाई जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ लोग जरूरत की सामान लेने के लिए निकल रहे हैं या फिर किसी ने हॉस्पिटल या फिर किसी जरूरी जगह पहुंचना वही आपको यहाँ पे दिखेंगे। जी चलिए मोहिंदर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ग्राउंड से मोहिंदर हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से शहर के अंदर पाबंदियां यहां पर लगाई गई हैं, साप्ताहिक पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू शहर के अंदर इस बार कुछ ना कुछ असर जो है वो देखने को मिला है, लेकिन इससे पहले कोई भी असर देखने को नहीं मिलता था। जहां पर सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आई, लोग यहां कश्मकश के माहौल में देखे गए और लोगों की तरफ से प्रशासन पर आरोप भी दागे गए, लेकिन इस बार आप देखिए बाजार कहीं कहीं यहां पर सुनसान नजर आ रहे हैं, इक्का दुक्का जो वाहन घर से बाहर निकले हुए हैं, जो सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या वजह है, अपने घर से वो लोग बाहर क्यों हैं और लोग अपनी यहां पर इमरजेंसी बताने के बाद ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त सवाल यहां पर यह है कि जो प्रशासन की तरफ से साप्ताहिक पाबंदियां लागू की गई हैं इस पर अमल करना और सहयोग करना आम जनता की जिम्मेदारी है और इस पर खरा उतरना भी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजयपुर का दौरा किया है, इस दौरे के दौरान उन्होंने एम्स में चल रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। इस दौरान आपको यह भी बताते चले कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसी साल जून से पहले दो बैच के विद्यार्थियों को ऋषिकेश एम्स से स्थानांतरित किया जाएगा और दूसरे बैच के नए छात्रों को भी पढ़ाई यहां पर विजयपुर एम्स से शुरू करनी होगी और करवा दी जाएगी, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो इसके साथ ओपीडी की सेवा लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी जिससे लोगों को एम्स का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जिन्होंने उस समय हमारी मांग का संज्ञान लेते हुए
एम्स जम्मू में स्थापित करने के आदेश जारी किए। सर, समय पर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम पूरा कर रही है उसको लेकर? हाँ, ये इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर आयुष का कक्ष रहेगा, आयुष का विंग रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ओपीडी शुरू किया जा रहा है। और पहला बैच चूंकि यहाँ पर नहीं काम कर अपनी पढ़ाई कर पाया था, उसको भी शिफ्ट करा करके यहाँ पर दूसरे बैच के साथ उसकी व्यवस्था करने का अगले 2-3 महीने में योजना बनाई जा रही है। तो कोरोना के कारण उपज रहे यहां हालात जो उपज रहे हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना की वजह से जो हालात उपज रहे हैं उसे मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में लगाई गई साप्ताहिक पाबंदियों का आज रविवार को खासा असर देखा गया और जम्मू में अधिकांश दुकानें बंद रही हैं। सड़कों से यात्री वाहन अदारत रहे। ट्रांसपोर्ट पर हालांकि पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रांसपोर्टरों ने आज बसें व मिनी बसें सड़कों पर उतारने से परहेज किया है। पाबंदियों के दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है और कल यानी सोमवार सुबह 6 बजे से पाबंदियां हट जाएंगी। तो स्थानीय लोगों ने भी इन पाबंदियों के फैसले का स्वागत करते हुए प्रशासन का आभार जताया है। देखिए, अभी तो दिक्कत तो कोई भी नहीं आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा हमें कोऑपरेशन मिल रहा है। बट ये है कि हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि जो वीकेंड लॉकडाउन जो सैटरडे संडे का है उसकी जगह सिर्फ संडे को किया जाए और हफ्ते में 6 दिन मार्केट खुली जाए, क्योंकि देखिए आगे एज अ व्यापारी दुकान वर्ग ने बहुत ज़्यादा लॉस खाया है। अब 2 लॉकडाउन में तो हमने बहुत ज़्यादा लॉस खाया है, तब तो एक एक महीना भी हमारा बंद रहा, यानी कि तुम जो 6-6 महीने हमारा लॉस रहा। यह है कि अभी चलो गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट अच्छी मिली है, तो बट मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये होना चाहिए कि हफ्ते में हम 6 दिन खोल लें और संडे को एक कंप्लीट लॉकडाउन हो, जिसमें मतलब हर एक दुकान बंद हो, तो जिसमें ये नहीं होगी छोटी दुकान खुली है या बड़ी खुली है या कोई खुली है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को कि संडे को एक कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए और हफ्ते में 6 दिन खोला जाए, जिससे अभी शादियों के सीजन है या कोई भी चीज़ें लोगों को आने में जो प्रॉब्लम हो रही है, परचेजिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो चीज़ें थोड़ी कम हो और लोगों को एक स्मूथ तरीके से काम चलता रहे। लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन जैसे शुक्रवार को शुरू होता है, शनिवार और एतवार लॉकडाउन, सोमवार को दुकानें खुलती हैं। मेरे ख्याल में शुक्रवार चलो ठीक है, शाम को बंद होता है, उस वक्त तो सारा सिस्टम बंद होता है। शनिवार और एतवार ना मात्र बंद होता है, शनिवार और एतवार को मुकम्मल बंद होना चाहिए, फिर लॉकडाउन का फायदा है। जैसे अब ये आधा सिस्टम चल रहा है आधा बंद है, इससे कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि लोगों को गाइडलाइन दी जाए, लोग अपने अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का घरों में ही पालन करें अगर करना चाहें तो, अदरवाइज लॉकडाउन को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जैसे अब आधी दुकानें खुली हैं आधी बंद हैं, जो और जो रेडी फड़ी वाले हैं वो बेचारे वो भी काम नहीं कर सक रहे, और सभी ऐसे जमघट बना करके खड़े हो जाते हैं, इसका तमाशा बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस बार आपने देखा कि आम जनता कहीं ना कहीं प्रशासन का आभार जताती हुई नजर आई है, क्योंकि इस बार पूरी परिस्थिति को सुधारते हुए प्रशासन यहां पर देखने को मिल रहा है। और जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड के 27 नए मरीज होने के बाद यहां आप देखिए किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। 27 मरीज भर्ती होने के साथ ही इन अस्पतालों में अब ऐसे मरीजों की संख्या 108 हो गई है। जीएमसी अस्पताल में 68, डीआरडीओ में 24 और गांधीनगर अस्पताल में 16 मरीजों का इलाज चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि इन सभी अस्पतालों से 16 और मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर को लौट चुके हैं। जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने ये पूरी जानकारी दी है और इस दौरान डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने लोगों से कोरोना की एसओपीज का पालन करने और वैक्सीनेशन जल्द करवाने का आह्वान किया, ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। 24 घंटे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में 27 पेशेंट्स जो है कोविड-19 से एडमिट हुए हैं। हमारे पास जो पहले से पेशेंट्स एडमिटेड थे उनमें से 16 पेशेंट्स जो है ठीक होके डिस्चार्ज हमने किए हैं और वो अपने घरों को चले गए हैं। अभी कुल मिलाकर हमारे पास पेशेंट्स जो एडमिटेड हैं वो 108 पेशेंट्स जो है कोविड-19 के एडमिटेड हैं, जिनमें से 68 पेशेंट्स जीएमसीएच बक्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, 16 पेशेंट एमसीएच गांधीनगर में एडमिटेड हैं और 24 पेशेंट जो हैं डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट हैं। इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो ट्रीटमेंट को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें पूरा यकीन है कि वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज देने के बाद अपने घरों को जरूर चले जाएंगे। कोविड-19 की पेंडेमिक की जो तीसरी वेव है
वो अभी चल रही है, उसमें हमको जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने अपनी प्रोटेक्शन जो है वो कैसे करनी है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और जब हम अपनी प्रोटेक्शन करेंगे तो अपने परिवार वालों की भी प्रोटेक्शन जो है बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में कांग्रेस द्वारा सतवारी स्थित गांधी चौक में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर और पूर्व मंत्री रमन भल्ला और उनके साथ अन्य कांग्रेस नेता कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जीए मीर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को महात्मा गांधी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। यही सबसे बड़ा सोच है, इसको वो मिटाने की कोशिश करे आज की सरकार, उनके मिटाने से वो मिट नहीं सकता है। वो पूरे दुनिया में अपना छाप, अपना फुटप्रिंट अपना दे चुके हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का यही आह्वान है कि हम सब लोगों को महात्मा गांधी जी के दिए हुए सोच को लेकर, दिए हुए कंसेप्ट को लेकर हमें अपने संगठन, अपने लोगों को आगे बढ़ाना होगा। ये हमारी आज की इसमें मैसेज। मीर साहब, राहुल गांधी के ट्वीट हकीकत है, आज का दिन दर्शाता वही है। इसको आप कितनी भी पर्दापोशी करेंगे तो नहीं हो सकता है ना। जो महात्मा गांधी जो सोच पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट कर रखा था उनके दिखाए हुए रास्ते को, आखिरकार उनको गोली से मारने वाला था कौन? अगर आज के दिन पर उसकी जिक्र ना करें तो फिर कब करें? तो ये तो साफ दर्शाता है आखिरकार था क्या चिड़ नथुराम गोडसे को जो महात्मा गांधी जी को 3 गोलियां मारकर शहीद कर। लेकिन तो जम्मू के ब्लॉक सतवारी के गांव खवासका के मशरूम उत्पादकों को इस वर्ष यहां मायूसी हाथ लग रही है। इस गांव के मशरूम उत्पादकों के मुताबिक कड़ी मेहनत के बावजूद इस बार उन्हें मशरूम की कम पैदावार मिल रही है और इसके साथ ही इस बार उनकी मशरूम की पैदावार का रंग भी तब्दील हो गया है। और आपको ये बताते चलें कि लोगों ने कृषि विभाग से मशरूम की पैदावार की जांच करने की मांग की ताकि उनकी मेहनत पर पानी न फिरे। बच्चे मेरे ने लाई है मशरूम, लाई है बड़ी घट निकली है, घट निकली है। असें वो आए हे एग्रीकल्चर वाले जो फार्म लिया उऐ इस्तेमाल डील किया फार्म दिखिए। इस वजह कन्नै अस आखने गवर्नमेंट भी साढ़े तरफ दिखा जाए एग्रीकल्चर वाले आम दिखा नहीं है कि माल की घट निकला है। जो बच्चे ने लाई है मेहनत की है, बड़ी मेहनत है जी, जनाब ने खुद पता है भाई मशरूम की बड़ी मेहनत है। इस वास्तव मेरी भी रिक्वेस्ट है जनाब जगह आम एग्रीकल्चर वाले दिखन भाई आनिए के बीमारी के नहीं है, घट की निकली है। इतने तकरीबन साढ़े 2-3 मुड़े ने जोड़े मशरूम की खेती करते हैं, इस बार भी प्राइवेट ले आए ने, लेकिन पैदावार यदि बड़ी घट निकल रही है तो ये कोई बीमारी जी है वह भी आन रही है, ता कि खुंभ इन्नी ज़्यादा नहीं निकला दी। और अस डिपार्टमेंट तक भी अप्रोच करके जो मशरूम डिपार्टमेंट है भाई वह भी आनी है इतने दिखन तो यदि पैदावार क्यों घट है और बीमारी जी ये लाल लाल जी खुंभ हो रही है वो क्यों हो रही है। तो मैं इयो चाहना कि ये जो सारे नौजवान पीढ़ी है, पिछले बार भी मैं खुद भी लाई दी ही और इस बार भी मैं प्रोत्साहित किया इन्हें न्याणे की, तो इन्हें खुंबा लाइया बड़ी मेहनत करिए लाइया। और साढ़े नसीब सिंह और जो दसन डे हैं इस वेले कि इन्हें खुंब लाई दी कोई 3,000 को उपर लफाफा, तो आमदनी तो है लेकिन जिनी प्रोडक्शन निकली ही इन्नी नहीं निकल दे निकली है। तो अस ये चाहते हैं कि जोड़ा मशरूम डिपार्टमेंट है वो इत्थे आवे और इनेगी पूरी जानकारी दे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।